गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मियां तलहन नेटवर्क एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, फाइनली जो है रेडमी नोट 8 के लिए MIUI 12.5 की रिलीज़ आ गई है। MIUI 12.5.1 इन्हेंस्ड एडिशन ही होगा जो कि आ चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको वो OTA के जी अपडेट मिल गया ठीक है, अगर नई अपडेट मिली तो मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आप उसको मैनुअली तौर पर क्या कैसे फ्लैश कर सकते हैं और 12.5 में क्या क्या चेंजिंग की गई है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करें और फेसबुक का, टेलीग्राम का, शाओमी का ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लें। तो रेडमी नोट 8 यूज़र्स, आपको स्क्रीन पर वाजिया नज़र आ रहा है, रेडमी नोट 8 अपडेट रिलीज़ कर दी गई है, OTA अपडेट रिलीज़ कर दी गई है। तो अगर हम इसमें कुछ चेंजिंग की बात करें तो आप इधर देख सकते हैं कि Redmi Note 8 जो ओल्ड मॉडल है, एक तो 2021 मॉडल है लेकिन ये ओल्ड मॉडल है Redmi Note 8। इसके लिए पहले न्यूज़ ये आ रही थी कि 12.5 जो है वो रिलीज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन अब Redmi Note 8 यूज़र के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 12.5 जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। ये आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा RCO MIXM ग्लोबल यूज़र्स के लिए MIXM है और इंडियन के लिए INXM है और इंडोनेशियन के लिए IDXM है। तो ये अपडेट कुछ 1.1 GB की आपको देखने को मिलेगी। अगर तो आपको अपडेट मिल गई है आप तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिले तो अपनी सेटिंग्स में जाएं और जाके अपडेट चेक करें। हो सकता है आपने अपडेट चेक ना की हो, अब जाके चेक करें, आपको अपडेट मिल गई होगी, मी तो है लेकिन मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर अपडेट नहीं मिली तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आप उसको मैनुअली तौर पर कैसे फ्लैश कर सकते हैं। तो इधर जो चेंजिंग की बात बताई जा रही है वो ये कि सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ किया गया है और सिस्टम सिक्योरिटी में कुछ इंप्रूवमेंट की गई है, मतलब सिक्योरिटी पैच अपडेट किया गया है। अगर 12.5 की कुछ चेंजिंग की बात करें तो इस पर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख सकते हैं कि 12.5 में क्या चेंजेस हैं, इनहेंस्ड में क्या चेंजेस हैं। तो अगर मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ बता सकूँ तो इसमें कुछ परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया गया है, कुछ इसकी रैम मैनेजमेंट को इंक्रीज़ किया गया है ताकि एप्लीकेशन कम रैम कंज्यूम करें, तो कुछ इसके डायनामिक्स इफेक्ट्स वगैरह को इम्प्रूव किया गया है, बहुत ही आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और कुछ अदर चेंजेस की बात करें तो इसमें आपको मेमोरी एक्सपेंशन का होपफुली फीचर देखने को मिलेगा, जिसमें आप 1 या 2 GB तक रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कुछ इसके टच में का रिस्पांस को बेहतर किया गया है ताकि आप टच करिए और आपको रिस्पांस अच्छा मिले और आपको स्मूथ एक्सपीरियंस हो। और कुछ के इसके कोर सिस्टम पे भी वर्क किया गया है ताकि आपका जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। तो इस तरह की कुछ चेंजेस की गई हैं, कुछ चार्जिंग की स्पीड को भी इंक्रीज़ किया गया है और बैटरी को भी कुछ बेहतर बनाया गया है ताकि आपका बैटरी बैकअप भी कुछ आपको अच्छा मिले। तो बात करते हैं इसके डाउनलोड लिंक की, तो डाउनलोड लिंक मैंने ये देख सकते हैं कि कल ही अपलोड कर देगा अपने फेसबुक के ग्रुप में, आप मेरे फेसबुक का ग्रुप देख सकते हैं, OTA अप्लाई भी है और रिकवरी रूम भी है। अगर आपके मोबाइल में इस टाइम 12.0.2.0 चल रहा है तो आप खुद OTA से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उधर से जाके भी लिंक ले सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँ ताकि आप इसको ईजिली जो है अपना OTA के ज़रिए अप्लाई कर सकें। अगर तो आपके मोबाइल में कोई कस्टम रिकवरी इंस्टॉल है तो आपने क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में रिकवरी का लिंक भी होगा और OTA अप्लाई का भी लिंक होगा। अगर तो TWRP रिकवरी आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो आप रिकवरी रूम डाउनलोड करें। अगर कोई भी कस्टम रिकवरी आपके मोबाइल में फ्लैश नहीं है तो आपने OTA के ज़रिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। OTA से अप्लाई करने का ये फ़ायदा होगा, आपका डाटा भी डिलीट नहीं होगा और किसी किस्म का कोई रिस्क भी नहीं होगा। आपने जस्ट OTA से अप्लाई कैसे करना है वो मैं वीडियो के एंड में पूरा मेथड अपलोड कर दूंगा, वीडियो के एंड में आपको पूरा मेथड मिल जाएगा कि आप OTA के जरिए कैसे इसको फ्लैश कर सकते हैं। आपने जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से OTA अप्लाई का लिंक उठाना है, उससे फाइल डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद आपने अपने किसी इंटरनल फोल्डर में इसको प्लेस कर देना है। तो वीडियो के एंड में मेथड आ रहा है तो आप जाके वीडियो के एंड में मेथड देखें और OTA के जरिए मैनुअली तौर पर 12.5 फ्लैश करें और इसके मजे लें। तो आपके पास Xiaomi का कोई भी मोबाइल हो, कोई भी वर्जन हो, आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, अगर आपको तो OTA के ज़रिए अपडेट मिल गए फिर तो ठीक है, आप OTA से सिंपल डाउनलोड करें, फ्लैश करें। अगर आपको OTA अपडेट नहीं मिली और आप वेट नहीं कर सकते तो आपने जस्ट क्या करना है, अपने खुद सिस्टम के बॉर्ड फोन में जाना, बॉर्ड फोन में जाने के बाद MIUI वर्जन में जाना है और वर्जन पर जाने के बाद आपने इधर 3 डॉट पर जाना है, 3 डॉट में जाने के बाद आपने चूज़ अपडेट पैकेज में जाना है। अगर आपको इधर चूज़ अपडेट पैकेज नज़र आ रहा है फिर तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप ये 12 वाले लोगों पर 10 से 12 बार क्लिक करें स्पीड के साथ,
ये चूज अपडेट पैकेज आपका अनलॉक हो जाएगा। इस पर जाने के बाद आपने इंटरनल स्टोरेज के उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने OTA अप्लाई फाइल डाउनलोड की है। इस मेथड से आप ट्राई करें कि OTA अप्लाई फाइल ही फ्लैश करें। रिकवरी फाइल हाल अगर आप रिकवरी फाइल डाउनलोड की है तो वो भी कुछ मोबाइल में वर्क करती है, कुछ मोबाइल में वर्क नहीं करती। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि रिकवरी फाइल की बजाय आप OTA अप्लाई फाइल मेरे दी हुए लिंक पर या किधर कहीं से भी आपने अगर अपडेटेड वर्जन आपके मोबाइल का अपने मोबाइल का OTA अप्लाई वाले लिंक से डाउनलोड किया है तो आप OTA के जरिए इस मेथड के जरिए वो फाइल इजी फ्लैश कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी आपके मोबाइल को नुकसान नहीं होगा। रिकवरी फाइल भी आप फ्लैश कर सकते हैं लेकिन वो कुछ मोबाइल पे वर्क नहीं करती, तो आप OTA अप्लाई फाइल ही इस मेथड से प्लीज़ अप्लाई करें और कोई रिस्क ना लें। वैसे वो अगर आप रिकवरी फाइल पर फ्लैश करेंगे तो उससे कोई डैमेज नहीं होगा, कुछ मोबाइल पर वो वर्क कर जाएगी और कुछ पर वो वर्क नहीं करती और कोई वो डैमेज कोई भी नहीं देगी आपके मोबाइल को। अगर आपने इस तरह इस मेथड से आपने क्या करना है, अपने इंटरनल स्टोरेज के उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने OTA फाइल डाउनलोड करके रखी है। मिसाल के तौर पर मैंने एक ये सैंपल फाइल डाउनलोड की है तो आपने इस तरह आपके सामने एक जिप फाइल आएगी जो आपने डाउनलोड करनी है, उसको उधर प्लेस करना है जिस फोल्डर में आप इजीली फाइंड करें। तो मैंने अपने मिसाल के तौर पर इस फोल्डर में डाउनलोड करके रखी है तो मैं क्या करूँगा उस अपडेटेड फाइल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ये ओके का नज़र आ रहा है, आपने जस्ट ओके पे क्लिक करना है। ओके पे करने के बाद ये गेटिंग इन्फो करेगा, गेटिंग इन्फो करने के बाद ये आपका मोबाइल खुद ही डिक्रिप्टिंग स्टार्ट होगी और आपसे रीबूट का ऑप्शन मांगेगा। आपने जस्ट रीबूट पे क्लिक करना है, रीबूट करने के बाद आपका मोबाइल खुद सारा प्रोसेस करेगा अपडेटिंग का और अपडेट होने के बाद मोबाइल स्टार्ट होगा और आपका मोबाइल अपडेट हो चुका होगा। जस्ट ये मेथड है, आप मैनुअली तौर पर इजीली अपने मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं अगर आपको OTA के जरिए जो है अपडेट नहीं मिली। आप इस मेथड के जरिए मैं फिर कह रहा हूँ कि OTA अप्लाई फाइल ही अप्लाई करें, रिकवरी फाइल भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको OTA अप्लाई का फाइल का लिंक कहीं से मिलता है या मेरे फेसबुक ग्रुप से मिलता है या मेरे डिस्क्रिप्शन वीडियो से मिलता है तो आप उधर से OTA अप्लाई डाउनलोड करें और इस मेथड से फ्लैश करके आप अपने किसी भी शोमी के मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं इजीली। कोई भी किसी किस्म का आपको मोबाइल को डाटा भी लॉस नहीं होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपका मोबाइल मैनुअली अपडेट हो जाएगा और आपको OTA के अपडेट का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसको फ्लैश कर सकेंगे इजीली। आपने मेथड देखा तो इस तरह आप इजीली जो है अपने मोबाइल में मैन्युअली तौर पर MIUI 12.5 अपने Redmi Note 10 में इजीली फ्लैश कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई रिस्क भी नहीं होगा और आपका मोबाइल भी अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। आप मेरा फेसबुक का शोमी का ग्रुप भी ज्वाइन करें और टेलीग्राम का ग्रुप भी लाजमी ज्वाइन करें, उधर मैं अपडेट देता रहता हूँ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मोर इंटरेस्टिंग वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।